सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने पत्रकार कॉलोनी स्थित नीमड़ी वाले बाबलाजी मंदिर में 51 प्रण महायज्ञ का आयोजन किया। पंडितों के कहने पर भारद्वाज ने चुनाव परिणाम आने तक चप्पल न पहनने का संकल्प लिया। इसके साथ ही कई कार्यकर्ताओं खास तौर से महिलाओं ने भी चुनाव परिणाम आने तक चप्पल न पहनने का प्रण लिया। भारद्वाज ने पत्नी के साथ यज्ञ में आहुति अर्पित की। इस अवसर पर पुष्पेंद्र भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने जनता के लिए इस चुनाव में 51 प्रण किए हैं। उन्होंने बताया कि मैं पिछले 5 सालों से जनता की बेहतरी के लिए लगातार महायज्ञ रूपी कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। सांगानेर वासियों को सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर समय तैयार रहा। आम जनता के लिए मैंने अपने परिवार का भी सुख त्याग दिया। उनका कहना है, परिवार होते हुए भी मैंने पिछले 5 साल से तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से आप भाजपा को यहां से विजयी बनाते आ रहे हैं। इस बार 5 साल मुझे देकर देखें, मैं विधानसभा को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा, यदि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरूं तो अगली बार मुझे वोट मत देना। इसके अलावा भारद्वाज ने भाकरोटा के वार्ड 65 में विशाल जनसमूह के बीच अपना जनसंपर्क किया। कुतुब मेल के लिए सांगानेर राजस्थान से आशा पटेल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।